ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह, मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। और इस समय आप देख लीजिए कि पुलिस की घोर लापरवाही है। देखिए कि जो ऑन स्पॉट पर खून पड़ा हुआ है वहाँ पर कोई देखरेख नहीं है, कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है। बाकी जितने भी गेट हैं उन सब गेट पर पुलिस वाले केवल मोबाइल देखा करते हैं और कोई चेकिंग नहीं करते हैं। लखनऊ की अदालत में शूट आउट हुआ है SC ST कोर्ट के भीतर। जब संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा जैसे ही घुसा है उसे गेट के बाहर 3 गोलियां मारी गई हैं। हम उसी जगह पर मौजूद हैं, आपको जरा हम लोकेशन दिखा दें। इस जगह से ये जब उसे ले जाया जा रहा था उसी वक्त यहां पर जब वो गेट के बाहर पहुंचा है तब उसे 3 गोलियां मारी गई हैं। और भीतर की स्थिति आप देख सकते हैं, तहस नहस हालत में ये कोर्ट रूम है। और आपको दिखा दें कि कोर्ट रूम की स्थिति क्या है। कोर्ट रूम में जो घटना स्थल है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऊपर भी आपको दिखा दें कि ये SC ST का कोर्ट है और नरेंद्र कुमार जो जज हैं उनकी कोर्ट में इस घटना को अंजाम दिया गया है। कई लोग यहां पर मौजूद हैं, आप लोग थे क्या मौजूद उस वक्त जिस वक्त घटना घटी? हम लोग अंदर कोर्ट में थे, कोर्ट रूम में थे, और इधर से प्रेमिसेस से वो संजीव माहेश्वरी आया। जब धावत की आवाज हुई हम लोगों ने अंदर से आवाज सुनी, तब तक देखा गेट पे वो गिर गया। तो अपराधी पीछे से एक गोली मारा, 5-6 गोलियां 4 गोलियां उन्होंने चलाई हैं। तब हम लोग परिसर अंदर थे रूम के, तो हमने देखा गोलियां मार रहा था। उसके साथ उस समय कोई पुलिस वाला नहीं, जबकि उसके साथ एक गारद रहती है, एक इंस्पेक्टर रहता है, 10 पुलिस वाले रहते। बिल्कुल अलग अकेले था आज, अकेले हमको जब दिखा यहाँ पे तो अकेले था। पुलिस वाले भाग चुके थे, कोई भी नहीं था मौके से, सब भाग गए थे। हम लोग अंदर थे, हम लोग किसी तरीके से अपने को बचाएं। जब देखे उसके बाद गोली खत्म हुई, हम लोगों ने उसको दौड़ा के उसको पकड़ा यहाँ पे, उसको मारा हम लोगों ने, तब पुलिस वाले 10 मिनट बाद। जो हमलावर था उसको आप लोगों ने पकड़ा? हम लोगों ने पकड़ा, वकीलों ने पकड़ा उसको, क्योंकि वो वकील की ड्रेस में था। हम लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं मनीष शर्मा इलेक्शन लड़ता हूँ। मैंने आज तक उसको कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं लगभग सभी वकीलों को पहचानता हूँ। मैंने उसको कभी आज तक इस परिसर में देखा, इसका मतलब वो वकील नहीं था, वकील की ड्रेस पहन के आया था। कहा जा रहा है कि वो हर बार बुलेट प्रूफ जैकेट में आता था, हर बार भारी सुरक्षा में आता था। उसको शायद हाईकोर्ट का डायरेक्शन का सुरक्षा इसकी दी जाए, इसको जो पहनाए उसके लिए अलग से गारद आती, गाड़ी आती अंदर तक आती है। बाकी अपराधियों के लिए वहीं पे लॉकअप में छोड़ दिया था, उसके लिए गारद आती, पुलिस की वैन पूरी लेके उसको आती, पुलिस व्यवस्था पूरी साथ रहती। आज मगर उसके साथ हम लोगों को ही नहीं दिखा, पीछे होगा ही नहीं देखा, मौके पे कोई पुलिस वाला नहीं था। उसके साथ बच्ची को भी एक गोली लगी है, उसके साथ प्रीमिसेस बाहर के किसी क्लाइंट की बेटी थी उसको गोली छोटी बच्ची को लगी, कांस्टेबल को पैर में गोली लगी। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कई बार हम लोग जनपद न्यायाधीश को लेटर दिए हैं कि सारे मेंटल डिटेक्टर वगैरह लगे, सब पुलिस वाले बैठे रहते, मगर कोई कभी किसी को चेक नहीं करता। हम लोगों ने कई बार कहा है कि रजिस्टर एक लेके नोट करिए कौन आता है, किस कोर्ट जा रहा है, क्या काम से जा रहा है, वकीलों का आप आई कार्ड चेक, मगर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं, जीरो है। तो जो चश्मदीद हैं मनीष शर्मा मौजूद थे और उन्होंने इस पूरे वाके को देखा है और उन्होंने हमें बताया कि आखिर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई और लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा वाक्या हुआ कैसे था, वो भी कैसे, वो कहां पर थे। इधर आइए, आप भी थे वहां पर मौजूद? बिल्कुल। क्या देखा था आपने? हमने देखा था कि 4 राउंड गोली बाहर चली थी, फिर वो अंदर को की कोर्ट रूम की तरफ वो भागने की कोशिश किया, तो फिर अंदर 2 राउंड की गोली चली, फिर उसी अफरा तफरी में भगदड़ मच गई, बाहर भगदड़ हो गया, अंदर भगदड़ हो गया। तो हम लोग अंदर साहब उस टाइम जज साहब अंदर अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तो हम लोग चैम्बर की तरफ उनके भागे, फिर धीरे धीरे ये सब हुआ। पकड़ा गया? जी, हम वकीलों ने ही पकड़ा। उस टाइम करीब उसकी सुरक्षा में ही 10-15 पुलिस वाले रहते थे, वो सब भाग गए, वकीलों ने ही उसको पकड़ा। तो आपने देखा किस तरीके से ये पूरा हत्याकांड, ये पूरा शूटआउट को अंजाम दिया गया है। आप देखिए ऊपर CCTV लगी है, सुरक्षा के इंतजाम आपको दिखाई देंगे, लेकिन क्या ये सुरक्षा काम करती है ये बताइए। CCTV वगैरह सब लगे हैं यहाँ पर, हमें गेट पर मेटल डिटेक्टर और तमाम लोग फ्रिस्किंग करने के बाद आपको अंदर आने देते हैं, फिर कैसे ये लोग? सर कोई चेकिंग नहीं होती है वहाँ, वो एक खाना पूर्ति होती है, केवल मेटल डिटेक्टर कोई भी काम नहीं करते हैं। CCTV का भी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये फिलहाल कोई नहीं चलते हैं, आज तक हमने नहीं देखे कभी चलते हुए कि क्या होते हैं। आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं, इसकी सभी जिम्मेदारी UP पुलिस की है और लखनऊ पुलिस एकदम
इसकी जान बच सकती थी सर, इसकी परसों ही पेशी थी, ये हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट में आता था, आज ये नहीं पहना, आज ये नहीं पहना तो जरूर इसमें साजिश हो सकती है। ये हमेशा अपने हेलमेट पहन के और बुलेट प्रूफ जैकेट में ही आता था, इसकी डे बाय डे हेयरिंग चल रही, परसों ये खुद आया हमारे साथ ही बैठा हुआ था सर, और आज ये जैकेट नहीं, हेलमेट भी पहनता था, बुलेट प्रूफ हेलमेट भी पहनता था और बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता था, और 10 से 12 पुलिस वाले इसके सुरक्षा में रहते थे। मालूम होगा कि ये किस तरह का ये अपराधी रहा है या किस तरीके की इस पर केसेस? जी जी सब मालूम था, ये सब कुछ इनका बयान चलता था, इसमें एसपी साहब का बयान हो रहा था, परसों भी हो रहा था, और जीरा फिर जारी हो गई तो जीरा आज के लिए भी इसमें इनका बयान हो रहा था, एसपी साहब भी थे जो उस टाइम का विवेचना जो उन्होंने किया होगा वो भी आए हुए थे। तो आपने वकीलों की जुबानी, जो उस वक्त चश्मदीद थे उनकी जुबानी सुना, हमने आपको एक तरफ से दिखाई, क्या कह रहे हैं? मैं अशोक सिंह एडवोकेट, मैं 40 साल से वकालत यहां कर रहा हूं, आज तक मैंने इतना जघन्य हत्याकांड न देखा और न सुना है, और इस समय आप देख लीजिए कि पुलिस की घोर लापरवाही है, देखिए कि जो ऑन स्पॉट पर खून पड़ा हुआ है वहां पर कोई देखरेख नहीं है, कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, बाकी जितने भी गेट हैं उन सब गेट पर पुलिस वाले केवल मोबाइल देखा करते हैं और कोई चेकिंग नहीं करते हैं, जबकि पुलिस को चेकिंग करनी चाहिए और बदमाश अंदर आ रहे हैं। अब इस तरीके का जघन्य हत्याकांड हम लोग क्या दूसरों को न्याय दिलाएंगे, जब वकील के भेष में बदमाश घुस रहा है। हम आपको दिखाएं, पुलिस के बहुत सारे अधिकारी पहुंच रहे हैं, उन्हें भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये देखिए अब ये दरवाजा खोलने की कोशिश हो रही है, फोरेंसिक के लोग, तो कुछ इस तरीके से हमने ये दिखाया, पुलिस भी अब मौके पर पहुंची है, फोरेंसिक टीम भी पहुंची है, और इस तरफ से ये आप देखिए कि देखने की कोशिश हो रही है, यही है वो कोर्ट रूम, और जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वकीलों से खचाखच भरा था ये कोर्ट रूम, लेकिन अब पूरी तरीके से इस जगह पर पुलिस और जो दूसरे जांच एजेंसियां हैं अब उन्होंने भी पहुंचना शुरू किया है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा शूट आउट हुआ है, और अब इस पर नजर रहेगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, कौन लोग इसमें थे। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।